तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोग स्वागत है मेरा न्यू वीडियो में। और आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम लोग यह कोलकाता का सबसे फेमस श्रीहरि दुकान में जाने वाले हैं, जो ऑलमोस्ट 100 ईयर प्लस ओल्ड है। तो वहाँ का सबसे फेमस है वहाँ का कचौड़ी और वहाँ का मिठाई। स्पेशली वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस मिठाई है, जिसके कारण वो फेमस है, वो है लैंचा। तो आज हम लोग वहाँ पे जाके वो ट्राई करने वाले हैं और बताने वाले हैं कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए हैं, देख रहे हैं, वो लोग प्लीज़ लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। लाइक करो या ना करो, पर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात किए बिना। हाँ, तो जैसे कि आप देख चुके हैं, ये श्रीहरि के यहाँ पे ओनर है। हम लोग यहाँ पे अंदर आ चुके हैं और इनसे थोड़ा पूछते हैं कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो अंकल, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1910 साल में। तो 1910 साल, तो ऑलमोस्ट ये 100 साल हो गया है। हाँ, 100 साल, 110 साल ना, 112 हो गया है। तो 112 साल से ही है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकनी सेल होने वाला चीज़ क्या है? कचौड़ी है, छोला दाल है। कचौड़ी छोला दाल यहाँ का फेमस है, मशहूर है। यहाँ का फेमस लैंचा है, फेमस लैंचा है। हाँ, लैंचा है और सारी मिठाई वगैरह है, आप शोकेस में देखिए। हिंदी यहाँ का फेमस लैंचा है। तो ये प्लेट का प्राइस क्या है कचौड़ी का? 4 पीस 32 32 रुपया। और लैंचा को? लैंचा 10, 15, 20। और यहाँ का टाइमिंग क्या है? सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। और यहाँ का लोकेशन एक बार बता दीजिए। भवानीपुर थाना का बगल में, एक बार थाना के नज़दीक, अपोजिट साइड। थैंक यू, थैंक यू। वीडियो ले रहे हैं, ये आप लोग देख ही पा रहे हो। हम लोग श्रीहरि के अंदर एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे अच्छा खासा सीटिंग अरेंजमेंट, और ये दो कैबिन है जहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 30-40 आदमी इजीली बैठ के खा सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये मेरे पास आ गया है श्रीहरि का कचौड़ी। तो यहाँ पे ये दो कचौड़ी है, ठीक है। और ये यहाँ पे उनके साथ कचौड़ी के साथ ये लोग दाल देते हैं विथ ये रेड चटनी, ठीक है। तो ये मैं एक बार टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ, ये मैं बाद में दिखाऊंगा आपको स्वीट्स। तो ये कचौड़ी मैंने लिया, इसके अंदर का स्टफिंग दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। कचौड़ी के अंदर इन्होंने दाल दिया है, ये देखो दाल, भर के दाल दिया हुआ है, जो आप लोग देख पा रहे हो बहुत ही अच्छा क्वान्टिटी में दिया हुआ है। कंजूसी उंजूसी कुछ नहीं किया गया, अच्छा प्रॉपरली डाला गया है, इसका स्टफिंग किया गया है। और ये सिंपल कचौड़ी नहीं है, इसके अंदर दाल भर के दिया है। और इसको थोड़ा टेस्ट करके देखें, हाँ इसके अंदर थोड़ा हींग भी है जो देख पा रहे हो आप लोग। तो ये थोड़ा मैं दाल के साथ एक बार टेस्ट करके देखूँ कैसा लग रहा है। टेस्ट बहुत ही कचौड़ी का, तो ये कचौड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये दाल मुझे, ये दाल थोड़ा मीठा मीठा आता है, पूरा प्योर बंगाली टेस्ट देता है यहाँ पे। ये दाल में से पूरा मीठापन टाइप आ रहा है और बंगाली फ्लेवर टेस्ट सब दे रहा है इसके अंदर अच्छे से। और यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक माफ़ करना, रस थोड़ा ज़्यादा रहता है यहाँ पे ऑल टाइम। और ये ऑलमोस्ट बहुत करीब 110 साल पुराने, जैसे कि अंकल ने बताया था, ये 110 साल से ज़्यादा पुराना है हो चुका है। और इसका टेस्ट अभी भी नहीं बदला है, ये बहुत प्योरली जैसे फर्स्ट टाइम था वैसे ही अभी भी है। और एक बार चटनी के साथ लेके मैं ट्राई कर लूँ, चटनी नॉर्मल है, मीठा चटनी जैसा होता है वैसा ही है, सिर्फ लाल कलर में है। और ये
इसका दाल भी पूरा टिपिकल बंगाली टेस्ट जैसा है। तो जैसे कि देख के रह पा रहे हो, ये मेरे पास लंचा आ गया। और इस मिठाई का क्या नाम था? इलिश। ये इलिश मिठाई है, क्योंकि इसका आप देख पा रहे हो क्या नाम है अंकल इस मिठाई का। अच्छा, ये इलिश वेटी, इलिश वेटी वाला अंकल बोल रहे हैं ये मिठाई है। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, और लंचा का साइज मेरे मुंह जैसा है, और इसका पूरा मेरा मुंह का साइज है, और ये मेरे हाथ का साइज भी देख पा रहे हो, ये ऑलमोस्ट मेरे हाथ से ज़्यादा बड़ा है। इससे भी बड़ा एक लंचा था जो मैंने लिया नहीं, उतना मैं खाता नहीं। तो ये लंचा को एक मिनट में टेस्ट कर ले रहा हूँ पहले। एंड लंचा प्रॉपरली पूरा फ्राई हुआ था, और इसको अच्छे से शुगर सिरप में डिप किया गया, जिसके कारण ये बहुत ही अच्छे से मीठा आया इसके अंदर का मिठास, और बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। अब ये थोड़ा यहाँ पे आ जाओ ये इलिश का टेस्ट करने। ये प्योरली मीठा है, और ये बहुत अच्छा टेस्ट में यहाँ पे अंदर में मैं चॉकलेटी टाइप भी देख पा रहा हूँ जो डाला हुआ था यहाँ पे। लंचा इलिश पेटी बोल रहे थे इसका मिठाई का नाम, जो बहुत ही टेस्टी लगा। मैं बोलूँगा आप लोग को यहाँ पे आए हो और ये मिठाई एक बार टेस्ट करके ज़रूर देखना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो चलो बाकी बाहर जाता हूँ, आपको लोकेशन बता दे रहा हूँ ये कहाँ है। चलिए इसका मैं लोकेशन आप लोगों को प्रॉपरली बता दे रहा हूँ। ये आप लोग सीहर ही देख पा रहे हो ये कहाँ पे है, मैं एग्जैक्टली बता दे रहा हूँ। ये आप लोग उस साइड में बिजली सिनेमा देख पा रहे हो, वहाँ पे हो रहा वो बिजली सिनेमा देख पा रहे हो, ठीक है। और उसी के साइड में भवानीपुर पुलिस स्टेशन, उसी का जस्ट अपोजिट में आप लोग यहाँ पे देख पाओगे श्रीहरि का मिष्ठी भंडार, जो बहुत ही पुराना है और बहुत ही यहाँ पे टेस्ट वाइज बहुत ही अच्छा मिलता है फूड, ठीक है। और यहाँ का मिठाई बहुत फेमस है, स्पेशली लंचा।